अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज हम नवाबी सेवई बना रहे हैं, चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2-3 चम्मच घी ले लेना है असली घी। मेरा मेल्ट हो गया है, सेवई को ऐड करना है, अच्छी तरह भून लेना है गोल्डन ब्राउन। आधा किलो का पैकेट था ये सेवई का, 1.5 किलो जितनी ले ली है हम सेवई। 1 कप शक्कर ऐड करना है, हाथ चलाते रहना है। 2-3 चम्मच जितना दूध लेना है थोड़ा सा। दो तीन मिनट पका लेना है शक्कर मेल्ट होने तक। गैस ऑफ कर देना है, हो गई सेवई हमारी, इसको निकाल लेना है। दूध इसमें ही ऐड करना है, 1/2 लीटर दूध लिए, अच्छा गाढ़ा रहना चाहिए दूध। अच्छा पका लेना है इसको 1-2-3 मिनट के लिए। सेवई को थोड़े इसमें ऐड कर लेंगे, पूरे नहीं करना ऐड। देखिए इस तरह प्रेस कर लेना है, अच्छी तरह कर लिए। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 कप जितना दूध लिए, 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 कप शक्कर लिए, अच्छा मिक्स कर लेना है, 1-2-3 मिनट पका लेना है। इसी तरह मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं रहना चाहिए। कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट स्नाइड करना है, फटाफट हाथ चलाना है। गैस को स्लो कर देना, 1-2-3 मिनट तक पका लेना है। देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है, फटाफट इसमें ऐड कर देना है। सेमी फ्राइड करना है, अच्छी तरह कवर कर लेना है। देखिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट के लिए रखना है। देखिए नवाबी सेवई रेडी हो गई है, माशाल्लाह बहुत टेस्ट बनी है ये रेसिपी, आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए नवाबी सेवई रेडी हो गई है, माशाल्लाह बहुत टेस्ट बनी है ये रेसिपी, आप लोग भी ट्राई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।